गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आई एम अनिता कुमारी योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम CMJ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनकट मोतिहारी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 7 फ्रॉम क्लास 2 क्रिएटिंग ए बुलेटेड और नंबर लिस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कैसे नंबरिंग लगाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लिकिंग द ड्रॉप डाउन एरो अवेलेबल विथ स्टार्ट ए लिस्ट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में स्टार्ट ए लिस्ट बटन पर क्लिक करते हैं। चूज ए लिस्ट स्टाइल फ्रॉम द एक्सपेंडेड बटन बाई क्लिकिंग ऑन इट। लिस्ट स्टाइल से क्लिकिंग द्वारा एक्सपेंडेड बटन पर क्लिक करते हैं तो ऐसा खुलेगा आपका, जिसमें ABC है, रोमन अंक है, कैपिटल है, 1-2 है, जिसको आपको लगाना है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, आपके डॉक्यूमेंट में लग जाएगा। सेविंग द डॉक्यूमेंट। आफ्टर क्रिएटिंग योर डॉक्यूमेंट सेव योर डॉक्यूमेंट बाय गिविंग इट ए सुटेबल नेम। डॉक्यूमेंट सेव, डॉक्यूमेंट की रचना के करने के बाद उसके सेव किया जाता है, जिसका उपयोग फ्यूचर में काम होता है। टू सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कैसे सेव करते हैं इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्लिक द सेव एज ऑप्शन इन वर्डपैड बटन टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। ये जो वर्डपैड बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक मेनू खुलेगा जिसमें आपका रहेगा सेव एज ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। टाइप द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम बॉक्स। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, अपना नाम को टाइप कर दीजिएगा। क्लिक द सेव बटन टू सेव योर फाइल, और सेव बटन पर क्लिक करके अपने फाइल को सेव कर ले दीजिएगा। क्लोजिंग वर्डपैड, वर्डपैड को कैसे बंद करते हैं। आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क इन वर्डपैड यू कैन क्लोज द वर्डपैड बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन ऑन द वर्डपैड टाइटल बार। जब वर्डपैड में आप काम समाप्त कर लेते हैं तो आप क्लोज बटन जो टाइटल बार में रहता है उसके द्वारा वर्डपैड को बंद कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्लोज वर्डपैड बाय क्लिकिंग एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल अंडर वर्डपैड बटन। आप जो वर्डपैड बटन में मौजूद रहता है एग्जिट ऑप्शन, उसके द्वारा भी वर्डपैड को बंद कर सकते हैं। चैप्टर 7 इज फिनिश्ड। थैंक्स।